नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम लौकी की मिठाई बनाने चल रहे हैं कुछ अलग तरीके से। तो जैसे देख रहे हैं, सिर्फ हमको तीन सामान से जो है तीन सामान चाहिए हमको। देखिए, यहाँ पर खोए लिए हैं, चीनी लिए हैं, गढ़ी की मुरादे। तो लौकी जैसे देखते हैं, सबके घर में आसानी से मिल जाता है, लौकी मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, हम खोए जैसे भून लिए हैं अपना, इसी कढ़ाई में हम खोए बनाए हैं अपना। तो देखिए, इसी कढ़ाई में खोया भी पड़ा हमारा है। तो गढ़ी के मुरादे डाले हैं हम, इलायची पाउडर डाल दिए। तो इसमें हम अच्छे से हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये मिठाई जैसे रहता है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तब प्लेट में हम खोए को निकाल ले रहे हैं अपने, प्लेट में खोआ को निकाल लिए हैं। तो लौकी के छिलके हम उतार ले रहे हैं। सफ़ेद से लौकी आपको बिल्कुल सफ़ा करना है, और ज़्यादा मोटे साइज में लौकी आपको नहीं चाहिए, पतले साइज में चाहिए। जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लौकी लिए हैं, इसी साइज में लौकी आपको चाहिए। तो हम अच्छे से देखिए छिलकों को सफ़ा कर लिए हैं। अब लौकी को जैसे हम धो लिए हैं अच्छे से, देखिए हम गोल साइज में इसको काट ले रहे हैं। ज़्यादा पतले आपको नहीं काटना है, देखिए मोटे साइज में हम काट रहे हैं इसको। तो इसी साइज में हम सारे लौकी अपना काट लेंगे अच्छे से। तो लौकी हमारा देखिए जैसे कट गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि लौकी हमारा कट गया है। तो हम चाकू लिए हैं जैसे देख रहे हैं। तो लौकी को हमने पानी से सफ़ेद से धो लिए हैं। तो बीच में देखिए इसे आरी बगल में इसको लगाएंगे हम। तो इसके बीच में का जैसे देख रहे हैं, इसमें बीज छोटा छोटा पड़ गया है। तो इसको हम अच्छे से सफ़ा कर लेंगे। पहले इसको रिंग टाइप में हम बना लेंगे, जैसे रिंग रहता है उसी टाइप में इसको हम साफ़ करके निकाल के रिंग टाइप में बना लिए हैं। तो इसी तरह से देख रहे हैं, हम सारे लौकी मका निकाल के इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए, हम इसी तरह से इसको भी निकाल लिए हैं। तो कितनी अच्छे से हमारा बन गया, देखिए बहुत अच्छे से बन गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो आग को हम जला ले रहे हैं पहले। तो जैसे देखते हैं, गांव में बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो आग जल नहीं रहा है। तो देखिए, हम जला ले रहे हैं इस आग को। तो आग हमारा जैसे देख रहे हैं जल गया है। तो कढ़ाई को हम रख दे रहे हैं इस पर। कढ़ाई को रखने के बाद से यहाँ पे देखिए, हम एक कप पानी लिए, तो आधे कप पानी डालेंगे हम इसमें। आधे कप पानी हमारा पड़ गया। तो इसमें हम सबसे पहले कलर डालेंगे, कलर क्योंकि हम कलर को अच्छे से हम मिक्स करके तब चीनी इसमें घोल बनाएंगे। तो हम कलर भी इसमें डाल दिए हैं। इसी में देख रहे हैं, हम आधे पाव चीनी लिए, तो दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स हमारा हो गया है। देखिए, हम चाशनी हमारा कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो चाशनी को ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। जैसे देखते हैं, आप काले जाम के लिए बनाते हैं चाशनी, इसी तरह से चाशनी आपका रहना चाहिए। तो देखिए, हमारा चाशनी कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब देखिए, कितने अच्छे से कलर भी इसमें हम डाल दिए। तो कितने अच्छे से कलर भी हमारा आ गया है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं जैसे लौकी को काट के रखे हैं हम। तो इसी में हम जैसे देख रहे हैं कि अब हमारा बहुत उबाल अच्छे से आ गया है। तो लौकी को हमने ले ले रहे हैं, इसी तरह से लौकी को हमने इसमें डाल दे रहे हैं हम। इसकी बगल में पूरे साइड में लौकी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे पहले। चाशनी को हम दो उबाल और करवाएंगे अच्छे से। दो उबाल में हमारा जैसे कि अच्छे से हो जाएगा लौकी। लौकी को ज़्यादा आपको गलाना नहीं है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लिए। तो
देखिए हमारा कितनी अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है, पूरे अच्छे से हम फैला लिए हैं इसमें, अच्छे से उबाल जब आपका आएगा तो जानिए आपका हो गया है। अभी हमारा देखिए उबाल नहीं आया, देखिए अब अच्छे से उबाल आ गया है। इसको ज़्यादा देर तक हम छोड़ेंगे तो हमारा इसमें गल जाएगा रिंग जो है। इसको हमने चम्मच में देखिए इसी तरह से आपको चम्मच लेना है, तो चम्मच से उसी तरह से निकालना है, चाकू से हमने देख ले रहे हैं। देखिए हमारा हो गया, पक गया है अच्छे से। इसको एक प्लेट में ले रहे हैं, प्लेट में निकाल ले रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे प्लेट हम ले रहे हैं, प्लेट में निकाल के हम रखते चले जाएंगे। देखिए हमारा कितनी अच्छा लग रहा है, इसी तरह से हम सारे अपना निकाल ले रहे हैं। इसको जैसे देख रहे हैं कि थोड़े ठंडे होने देख लिए हम छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब तो अच्छे से मिठाई हमारा बन जाएगा। अब गर्म में आप इसमें मत बनाइएगा मिठाई को, पंखे के पास में रख दीजिए आप, चाहे इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडे हो जाए आपका अच्छे से। तो हमारा देख रहे हैं ठंडे हो गया, तो हम गदोरी पे इसको ले ले रहे हैं। पहले आप इसको थाली में भी बना सकते हैं, अच्छे से इसमें डालकर भर सकते हैं। गदोरी में बनाने से कुछ और बनेगा तरीका अलग से। तो देखिए हम इसी तरह से भर रहे हैं, और देखिए कितनी अच्छा हमारा देखने में लग रहा है। गड़ी के मुरादे भी इसी तरह से हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं काजू बादाम काट के रखे हैं और किशमिश लिए हैं, तो किशमिश को भी काजू बादाम को भी हम लगाते जाएंगे इसी तरह से। तो हम प्लेट में रख दे रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखने में इस तरह लग रहा है तो खाने में कितने स्वादिष्ट होगा पहले। तो अब इसी तरह से हम दूसरा भी भर ले रहे हैं अपना। तो जैसे देख रहे हैं इसी तरह से हम सारे अपना भर लेंगे अच्छे से। देखिए दोनों तरफ हमारे खोए कितने अच्छे से लग गया है। यहाँ पे हमने किशमिश और काजू को फिर सजा दे रहे हैं लगाकर। यहाँ पे लगा दिए हमने, तो इसको भी सजा दे रहे हैं इसी तरह से। तो देखिए हम दूसरा भी इसी तरह से भर लिए हैं, अब इसी तरह से हम अपना सारे भर लेंगे। बहुत आसानी है मिठाई बनाने में, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको ज़रूर प्लीज़ आप बनाइए, बनाकर इस्तेमाल करिए, कैसा लग रहा है आपको देखने पे और खाने में कैसे लग रहा है पहले आप नीचे लिख कर ज़रूर हमारे वीडियो को बताइए कि कैसा है आपको हमारा वीडियो लग रहा है। तो देखिए इसी तरह से हम सारे बना लिए हैं अपना, देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप चाहेंगे लौकी की मिठाई, लौकी की लड्डू हुआ, लौकी की बर्फी हुआ, ये सब खाने में बहुत टेस्टी होता है। देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है अब। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ देखिए हमारा बन के कितनी अच्छे से तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, फिर इसी तरह से हम रेसिपी आप लोग को बनाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। तो हमारे वीडियो को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।